निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना। निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना, सुनकर कहीं ना तुम बुरा मान जाना। मैंने किया है प्यार पहली बार, मैंने किया है प्यार पहली बार। निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना, सुनकर कहीं ना तुम बुरा मान जाना। मैंने किया है प्यार पहली बार। क्या कर रही है? ट्रेन की टिकट करा रही हूँ। सोच रही हूँ कि अगले मंथ मम्मी के घर आऊँ। नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बोल दिया ना एक बार, नहीं जाना तो नहीं जाना। क्यों? क्यों नहीं जा सकती मैं? क्योंकि मैंने ना कहा इसीलिए। जेते दी बिना, दुनिया माँ के जेते दी बिना, तो तू मुझे यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने देगा। आज भी तुझमें इतनी हिम्मत है कि तू मेरे सामने खड़ा है? मम्मी मम्मी सॉरी। दिल की बातें आँखों से क्या, होठों से बोलो सजना। ओ दिल की बातें आँखों से क्या, होठों से बोलो सजना। ओ यूं है कि मुझको प्यार तुमसे हो गया, यही कहना ओ है बस यही कहना। ओ जान जाना है बस यही कहना, ओ जान जाना। मैंने किया है प्यार पहली बार, मैंने किया है प्यार पहली बार। निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना। एयरपोर्ट पे हिंदी बोलने पर लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे फैशन शो के जज ने बीड़ी सुलगा ली हो। मैंने किया है प्यार पहली बार, मैंने किया है प्यार पहली बार। ये दिलों जा दे चुका, कैसे न चाहेगा। ओ चाहेगा चाहेगा कल भी दीवाना, चाहेगा चाहेगा कल भी दीवाना। मैंने किया है प्यार पहली बार, मैंने किया है प्यार पहली बार। निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना, सुनकर कहीं ना तुम बुरा मान जाना। मैंने किया है प्यार। सच बताऊं दोस्तों, रामायण तो अब जाकर हमने ढंग से देखी, क्योंकि बचपन में पूरा ध्यान तो बाण की लाइट और किसका बाण गायब हुआ किसका नहीं हुआ इसी को देखने में रह गई थी। हेलो, क्या आप ड्रोन उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, कबूतर में रस्सी बांध रखी है, वो उड़ रहा है अपने आप। ड्रोन ही उड़ रहा है मैम, पागल हो क्या? अच्छा तो मुझे ये बताएंगे कि आप ड्रोन यहाँ क्यों उड़ा रहे हैं? बताओ। वो हमारे घर के ना पीछे वाले घर में ना एक भाभी रहती है। What? तो वो इस टाइम पे ना छत पे कपड़े सुखाने आती है, तो बस उन्हीं को देखता हूँ। ड्रीमम वेकअपम क्रिटिकल कंडीशनम।
कल एक रिश्तेदार ने कहा खूब तरक्की करो, मैंने भी कह दिया, सहन कर पाएंगे आप? मैं आपको छोड़ के मायके जा रही हूँ, कसम खा रही हूँ लौट के नहीं आऊंगी। जो ली है कसम तो इसे तुम निभाना। मैं तो तुम्हें कुछ बोलती नहीं हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि तुम बीवी हो, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास एक मुंह है जो 28 घंटे तक नॉनस्टॉप बोल सकता है, और तुम्हारे रिकॉर्ड के हिसाब से तो तुमने कुछ बोला ही नहीं। एक छोटी सी लड़ाई के अंदर पेट्रोल डाल के उसको बड़ा कैसे करना है, इसकी मारा सिर्फ तुम्हें हासिल है। हमें तो गलती ना होने के बाद भी 4 घंटे का इलॉजिकल लेक्चर सुनना पड़ता है। बोलना तो दूर, हमें तो ये समझ में नहीं आता कि आर्ग्यूमेंट क्या दे। एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देने से पहले भी ना शर्म आ जाती है हमको। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक लड़ती हुई वाइफ को कोई चुप नहीं करा सकता। क्वाइट लेडी इज अ मिथ। सुपर हीरोज को ही देख लो, तुम्हें क्या लगता है इन्होंने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि बीच हवा में कॉल आ जाता, कहाँ गए हो, किसको बचा रहे हो, बात करनी है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम दारू नहीं पीती, वरना तुम तो विश्व में कोहराम मचा देती। जब मीठी बातें करते हैं तो इनको सीरियस बातें करनी है, जब सीरियस डिस्कशन होता है तो इनकी हंसी छूट जाती है, और कसम से इतना समझाने के बाद भी कान में जू तक नहीं देखती, ऐसा लगता है कि मानो सुना ही ना हो। क्या बोल रहे हो? एक आलू लेकर आओ अंदर से। एक हम ही है जो लोगों के काम आ जाते हैं, लोग तो मुंह पे मना कर देते हैं। क्या हो गया, क्यों बोल रही हो इतना? अभी मिसेस गुप्ता के घर गई थी, एक छोटा सा काम बोला, उन्होंने मेरे मुंह पे मना कर दिया। वो अरे एक सेकंड रुको, भाभी जी का फोन आ रहा है। हेलो विहान जी। हेलो भाभी जी। वो मार्केट से कुछ अच्छा मार्केट से सामान लेके आना है। अरे मना करो ना। क्या कह रही है? ना किया है क्या भाभी जी मैंने कभी आपको किसी चीज के लिए? ले आऊंगा। एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल? अरे जो बोओगे वही तो पाओगे फल, चाहे भले ही रोज चढ़ाओ जल। राम खोर साले कमीने, 15 साल पहले आंख क्यों नहीं मारी बे? कम से कम ये मुसीबत तो मेरे गले ना पड़ती। I love I love what? अभी मूड नहीं है। आपका क्या सोचना है इश्क प्यार और मोहब्बत के बारे में, क्या ओपिनियन है आपका? प्यार तो हम अम्मा जी से करते हैं, बहुत ही ज्यादा। और अलादीन के भैया से हम मोहब्बत करते हैं जी। और इसाक जिन लोगों के पास कछु काम धंधा ना ही होता है, नल्ले लोग, वो लोग इसाक करते हैं। हाय आई एम सॉरी, आज मैं थोड़ा बिजी था। वो पंडित जी आए थे ना घर पे, उन्होंने बताया कि हमारी शादी की डेट 6 महीने बाद की निकली है, तो आई सेड ओके, हमें कौन सी जल्दबाजी है। ऐसे कैसे, मैं बात करती हूँ पंडित जी से। तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। हमारे बचपन में नहीं था 3G 4G 5G, हमारे बचपन में थे पिताजी गुरुजी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। मैंने आपसे कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी, फोन रखो। यार बेबी एक बार मेरी बात तो सुन लो। अरे बहुत सुन ली मैंने आपकी बात, फोन रखो। अरे बेबी एक बार जस्ट कट द कॉल। कितनी बार किससे पूछ के फोन कट किया? अरे वो दूध वाले को क्या कहा तुमने? वो बेचारा बेहोश हो गया। अरे कुछ नहीं, मैंने उसको कहा रोज व्हाइट कलर का दूध ले आते हो, कोई और कलर की गाय नहीं है क्या तुम्हारे पास? ये लो पानी पियो, तुमने कितनी देर से पानी नहीं पिया है? आपको क्या हो गया, मेरी इतनी केयर कर रहे हो, अभी सेब खिलाया था, पानी ले आए। अरे वो डॉक्टर ने कहा कि अपने स्ट्रेस का ध्यान रखो। अच्छा क्रॉप टॉप में दिखी कमर, ब्लाउज पे आंखें बंद होती है, क्या लड़कों से मिलने वाली, हर लड़की बिगड़ी होती है, मुस्कुराए तो इंटरेस्टेड है, इग्नोर करे तो घमंडी, क्यों ब्रेकअप के बाद हर लड़की बच जाती है,
जब 60 साल के अंकल की नजर उसके चेहरे पे जाती है, सांस लेना मुश्किल उसका, अब वो मास्क लगा कर जाती है, मंदिर जाना वर्जित उसका, जब भी तारीख आ जाती है, लड़ती है समाज से जब वो सुबह जोर कहलाती है, बीता कल वो नहीं बांटती, खुद में घुट कर रह जाती है, कल फिर होती पूजा उसकी, कल फिर उस पे गाली बन जाती है, इतना सच संवर कर क्यों रहती है, अब सुंदर होना पाप है क्या, जज तो ऐसे करते हो, एमएलए तुम्हारा बाप है क्या, और बाप भी है तो सुनना पड़ेगा, वो लड़की है तो क्या हुआ, जिएगी वैसे ही जैसे उसे अच्छा लगेगा। चलो यार चलना नहीं है, ठंड के कपड़े लेके आने, आपको पता नहीं है दिल्ली में कितनी ठंड पड़ती है, फूट ऐसे थरथराने लगते हैं, कुछ बोला तक नहीं जाता है। हाँ फिर तो ये ठंड पूरा साल पड़नी चाहिए भगवान। मैं तो तुम्हें कुछ बोलती नहीं हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम बीवी हो, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास एक मुंह है जो 28 घंटे तक नॉनस्टॉप बोल सकता है, और तुम्हारे रिकॉर्ड के हिसाब से तो तुमने कुछ बोला ही नहीं। एक छोटी सी लड़ाई के अंदर पेट्रोल डालकर उसको बड़ा कैसे करना है, इसकी मारा सिर्फ तुम्हें हासिल है। हमें तो गलती ना होने के बाद भी 4 घंटे का इलॉजिकल लेक्चर सुनना पड़ता है, बोलना तो दूर, हमें तो ये समझ में नहीं आता कि आर्ग्यूमेंट क्या दे। एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देने से पहले भी ना शर्म आ जाती है हमको, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक लड़ती हुई वाइफ को कोई चुप नहीं करा सकता। क्वाइट लेडी इज अ मिथ। सुपर हीरोज को ही देख लो, तुम्हें क्या लगता है इन्होंने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि बीच हवा में कॉल आ जाता, कहाँ गए हो, किसको बचा रहे हो, बात करनी है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम दारू नहीं पीती, वरना तुम तो विश्व में कोहराम मचा देती। जब मीठी बातें करते हैं तो इनको सीरियस बातें करनी है, जब सीरियस डिस्कशन होता है तो इनकी हंसी छूट जाती है, और कसम से इतना समझाने के बाद भी कान में जू तक नहीं देखती, ऐसा लगता है कि मानो सुना ही ना हो। क्या बोल रहे हो? एक आलू लेकर आओ अंदर से। मेरा दोस्त इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, उसको एक लड़की पसंद आ गई, कल भाई साहब उसे प्रपोज मार दिया उसको जाके, वो भी अंग्रेजी में। उसने बोला आई वॉन्ट टू फिल माई साइकिल विद पेट्रोल एंड वॉक हैंड टू हैंड। टीचर ने पकड़ लिया, टीचर ने बोला इसको ना हिंदी में ट्रांसलेट करो। ओ भाई साहब उसने जो ट्रांसलेशन की, मैं तो हंसते हंसते पागल हो गया। मैं उसको बोला मेरी भाई बीए कर रही है इंग्लिश में, वो 2 सेकंड में कर देती। हाथ पे चलना दूसरे वाले का मतलब हो गया कि मैं साइकिल में पेट्रोल भरवा लूंगा। इतना तो सिंपल था, उसको बोलो मेरे 92 मार्क्स आए थे इंग्लिश में, मेरे साथ ही सीख लेगा। पेट्रोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुनो मैं आपको कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती हो? बताओ ना मैं कैसी लगती हूँ? अरे अच्छी लगती हूँ यार। अरे कुछ तड़कता बड़कता बताओ ना कि मैं कितनी अच्छी लगती हूँ। इतनी अच्छी लगती हो कि दिल करता है कि तुम्हारी चीख और ले आऊं। जब अपने घर सेंगी नॉन की बोरी धरी थी तो तुम कहाँ गए थे पड़ोसन की तो नॉन मांग बे? वो अपने घर को नॉन तनक रोनो सो लग रहा था। अगली बार पड़ोसन के घर के आसपास भी नजर आए ना तो अपने घर की शक्कर भी खारी लगे तुम्हें। हो दिल की हालत कैसे दिखाऊं, सोचा ही करता था जतन। देखो दोस्तों ठंडी बहुत ज़्यादा है, जब आदमी चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है तो छींटे मार के नहा भी सकता है। मैं एक हफ्ते से यही कर रहा हूँ।